19 दिसंबर 2006 का वो दिन था जब विराट कोहली को यह पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। हमेशा अपने इमोशंस को जाहिर करने वाले विराट कोहली कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। ही वॉज टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम। उस समय विराट दिल्ली के लिए अपना पहला रणजी सीजन खेल रहे थे। अथॉरिटी ने उन्हें घर जाने की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन इस साहसी क्रिकेटर ने मैदान पर ही रुकना सही समझा और दिल्ली के लिए 90 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। उनकी सोच ने उनके मजबूत कैरेक्टर की झलक सबको दिखा दी थी, लेकिन ये किसी को नहीं लगा कि दिल्ली का ये लड़का 100 टेस्ट मैचों तक पहुंच जाएगा। और किसे पता था कि इस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ये टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। विराट कोहली ने कई बार ये कहा कि रेड बॉल क्रिकेट बचपन से ही उनका फेवरेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट रहा है और टेस्ट क्रिकेट में टीम को रिप्रेजेंट करना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं रहा है। 2011 विश्व कप के तुरंत बाद विराट कोहली को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह दे दी गई। अपने पहले मैच में विराट कोहली एक बाहर जाती गेंद को छेड़ बैठे और कुछ खास नहीं कर पाए। कोहली उस सीरीज की 5 इनिंग्स में सिर्फ 75 रन ही बना पाए। इसके बाद कई एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कह दिया कि ही डजंट बिलोंग हियर। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। जिसके बाद कोहली ने 2012 में एडिलेड टेस्ट में क्रिटिक्स के सवालों का जवाब अपनी इनिंग से दिया। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के घातक बॉलिंग अटैक के सामने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। साल 2013 ये वो साल था जब इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और अब सभी को लगने लगा था कि विराट कोहली ही सचिन की बराबरी कर सकते हैं और उन्होंने वैसा प्रदर्शन भी किया। 2013 के 8 टेस्ट मैचों में उन्होंने 56 के औसत से 616 रन बनाए। बट वो कहते हैं ना, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। क्रिकेट में हर खिलाड़ी ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जिसे वो भुला देना चाहता है, और कोहली भी 2014 में ऐसी ही सिचुएशन से गुजरे थे। 2014 में विराट कोहली ने अब तक का अपना सबसे लोवेस्ट पॉइंट देखा था। इस दौरे पर वो 5 मैचों में सिर्फ 134 रन ही बना पाए। इस दौरे पर स्विंग और पेस ने उन्हें खासा परेशान किया था। ये खुद कोहली भी मान चुके हैं कि इस दौरे के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। अभी तक कोहली इंग्लैंड के दौरे से उबर भी नहीं पाए थे कि 2014 में ही ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम के कप्तान एमएस धोनी के इंजरी के कारण विराट कोहली के टेस्ट करियर में एक नया मोड़ आ गया। कोहली को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई। एडिलेड में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ही पारियों में सेंचुरीज जड़ दी। हालांकि वो मैच इंडिया हार गई, लेकिन विराट कोहली की अटैकिंग कैप्टनसी की सबने तारीफ की। दो मैचों के बाद 2015 में एमएस धोनी ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया और विराट कोहली टीम के फुल टाइम कैप्टन बन गए। लेकिन कोहली की शानदार बल्लेबाजी बदस्तूर जारी थी। इस साल उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में अपना पहला दोहरा शतक जमाया। इसके बाद कोहली सीरीज दर सीरीज रन बनाते चले गए। विश्व भर में बल्ले से सफल रहने वाले कोहली का अगला निशाना इंग्लैंड था, जहां 2014 में वो बुरी तरह से फेल रहे थे। आखिरकार 4 साल बाद भारत के अगले इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने अपने कंधों से इस बोझ को भी उतार दिया। उन्होंने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में 2 शतक और 3 अर्धशतक के साथ 593 रन बनाए। कोहली की टोली इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीत पाई, लेकिन 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली सीरीज जीतने वाले पहले एशियन कैप्टन बने। पिंक बॉल टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ कोहली ने 2019 में भी शतक जमाया था। लेकिन किसे पता था कि 2019 के बाद फैंस कोहली की सेंचुरी देखने को तरस जाएंगे। विराट कोहली ने अभी तक 99 टेस्ट मैच खेले हैं और श्रीलंका के खिलाफ वो अपना 100वां टेस्ट मैच मोहाली में खेलने वाले हैं। सो वी होप कि हमें यहाँ कोहली से एक बेहतरीन पारी देखने को मिले।